इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का कोई एग्रीमेंट कर दिया है किसी बायर के साथ और दुर्भाग्यवश उस खरीदार की मृत्यु हो गई है, आपने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया था, उसने आपको टोकन मनी, एडवांस मनी भी दे रखा है, कम दिया है या ज़्यादा दिया है, नकद दिया है या अकाउंटिंग मोड से दिया है, बैंकिंग मोड से दिया है, वो एक सेपरेट बात है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपको तो पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकले थे। हो सकता है आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेनी हो या कोई और इमरजेंसी हो या आपको किसी भी रूप में उस प्रॉपर्टी को बेचना ज़रूरी हो और अब वो डील आपने की थी, अब बायर की डेथ हो गई है, तो इस अवस्था में अब बाकी की कार्रवाई कैसे होगी। इसमें देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है, सेलर और बायर जहां पार्टीज के नाम लिखे रहते हैं, कि इनके लीगल उत्तराधिकारी भी इनकी मृत्यु की दशा में इस एग्रीमेंट की शर्तों से बाउंड होंगे, इससे बंधे रहेंगे। तो किसी भी पार्टी की डेथ होने से वो एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हो जाता, वो एग्रीमेंट के लिए जो उसके लीगल उत्तराधिकारी हैं वो कानूनन रूप से बाध्य हैं, बाउंड हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए लॉफुली। अब आप ऐसी अवस्था में कुछ कार्य कर सकते हैं। पहली बात तो बायर को आप जानते हो, आपके पास उसका आधार है, पैन है, कुछ भी डिटेल्स होंगी, तो यदि आपको उसके किसी भी पर्सन के बारे में पता है, भाई इसकी पत्नी है, बेटा है या कुछ भी है, तो आप उसको एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हो। उसमें कुछ बातें लिखी जा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसकी कॉपी उस नोटिस के साथ अटैच कर सकते हो, भाई आपके जो स्वर्गीय पिताजी हैं, मुझे पता चला कि भी उनकी मृत्यु हो गई है इतनी तारीख को, ऐसा ऐसा, और ये एग्रीमेंट उन्होंने मेरे साथ किया था मेरी प्रॉपर्टी खरीदने का, जो कि मैं आपके रिकॉर्ड के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ, और इसकी शर्तों के हिसाब से इतने पैसे मेरे पास आ चुके हैं, इतने देने बकाया हैं, और शर्त नंबर इतने के अनुसार ये पैसे इतनी तारीख तक आ जाने चाहिए मेरे पास, नहीं तो इस एग्रीमेंट में, अब धमकी देनी है नहीं देनी आगे वो डिपेंड करते सिचुएशन पे, नहीं तो इस एग्रीमेंट की फला शर्त के हिसाब से जो फोरफीचर क्लॉज है कि मैं बयाना या अर्नेस्ट मनी जब्त कर लूँगा या आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाऊंगा, जो भी लिख रखी होगी उसमें अगर लिखी हुई थी तो वो मैं लगाने के लिए स्वतंत्र हूँ, और इस प्रॉपर्टी को भी मैं किसी और को बेचने के लिए स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार का एक नोटिस आप उनको भेज सकते हैं। नोटिस नहीं भेजना चाहते हो डायरेक्टली तो उनसे बात कर सकते हो मिलके, और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट काम है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल हीयर्स, ये पहचानना कि वो जो मृतक बायर है जिनकी मृत्यु हो गई है उनके कानूनी वारिस कौन है। अब कैसे पता चलेगा, भाई पत्नी है चलो पता चल गया, या किसी का पति है पता चल गया, अब उनके कितने बच्चे थे, कौन उनके क्लास वन लीगल हीयर है अगर वो हिंदू थे तो उनमें नोटिस में भी आप ये बात कह सकते हो और वर्बली भी उनको ये कह सकते हो कि भाई साहब आप एक लीगल हीयर सर्टिफिकेट बनवा लाइए, वारिस प्रमाण पत्र बना लाइए, वो चाहे SDM बना के दे आपको, चाहे कोर्ट बना के दे, उसे सक्सेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी कहते हैं, SMC भी कहते हैं, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, जहाँ पे मृतक का डेथ सर्टिफिकेट लगता है और बाकी सारे लीगल जो हीयर हैं उसके वो अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देते हैं और वो कहते हैं जी हमारा मरने वाले से ये रिश्ता था और हम इसके क्लास वन लीगल हीयर हैं, और अंडरटेकिंग वगैरह भी वहाँ पे जाती है कि इसके अलावा उनका और कोई क्लास वन लीगल हीयर नहीं है। तो वो अगर लीगल हीयर सर्टिफिकेट आप उनसे मांग लेते हैं तो अब ये जितने भी लीगल हीयर है, मान लो चार लीगल हीयर है, तो वो बायर के शूज में स्टेप इन कर लेंगे, यानी बायर अब चार बायर हो गए आपके और वो चारों अब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो एग्रीमेंट आपने मृतक बायर के साथ किया था उसके हिसाब से जो बैलेंस पैसा आपको चाहिए, बैलेंस सेल कंसिडरेशन जो बकाया राशि आपकी बच गई वो आपको दें, तो आप उनको नोटिस भेज सकते हो कि भाई साहब ये मेरे पैसे बकाया हैं इतनी तारीख तक मुझे पे करिए। तो लीगल हीयर सर्टिफिकेट लेना एक इम्पोर्टेंट काम है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअल में लीगल हीयर्स हैं कौन। अब प्रैक्टिकल समस्या एक और आ सकती है कि मान लो लीगल हीयर सर्टिफिकेट भी आ गया, लीगल हीयर आइडेंटिफाई भी हो गए, अब प्रॉपर्टी का सौदा था 1 करोड़ रुपए, बायर बैंक से लोन लेने वाला था, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक उस जिंदा बायर को लोन दे रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, उसकी सिविल रिपोर्ट देख के, उसकी इनकम देख के, उसकी ITR देख के,
तो जरूरी नहीं है कि वो उसके बीवी को भी लोन दे, जरूरी नहीं है कि वो उसके बेटे और बेटियों को भी लोन दे। तो अगर ये जो लीगल उत्तराधिकारी हैं उसके उनके पास अगर बैलेंस कंसिडरेशन का पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए, तो उनके सामने एक प्रैक्टिकल दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। और अगर बैंक भी उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है, या वो बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, भाई पिताजी नहीं रहे तो अब हमने अपने प्लान चेंज कर दिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें अब ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, तो वो एक किस्म से डील से बैकआउट कर रहे हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे घर में डेथ हो गई इस वजह से कर रहे हैं, चाहे उनके पास पैसे नहीं है इस वजह से कर रहे हैं, चाहे कोई बैंक उनको और लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है इस वजह से कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर आपके पास कोई और उपाय नहीं है, आप उनको फिर नोटिस ही भेज सकते हो, एक फाइनल वार्निंग के तौर पे, एक फाइनल नोटिस के तौर पे कि भाई एग्रीमेंट में इतनी तारीख तक आपको मेरे पैसे देने थे, अगर आपने नहीं दिए ये पैसे तो मैं इस क्लोज के हिसाब से आपका ये जो पैसा है फॉरफिट कर लूँगा या इतनी पेनल्टी आप पे लगा दूंगा। आप चाहें तो ज़रूरत पड़ने पर उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो कि भी मेरे नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप ये पेमेंट कर दें, या अगर आपको चाहिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम कि भाई पुराने एग्रीमेंट में जो डेट थी उतने समय में नहीं हो सकता, हमें 1 महीना 2 महीने फालतू समय चाहिए, तो आओ मिलके बैठ के बात करते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो जो पुराना एग्रीमेंट है तो हमें जो नया एग्रीमेंट आपस में बनाना है प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन अमाउंट सेम रखते हुए, तो हम नया एग्रीमेंट आपके साथ बनाने के लिए तैयार हैं, और उसमें अगर किसी शर्त में फेरबदल करना है, कोई टाइम बढ़ाना घटाना है, कुछ और करना है, या प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, तो उसके लिए भी हम ओपन हैं। तो आप चाहो तो इस प्रकार के ऑप्शंस भी उन लीगल उत्तराधिकारियों को दे सकते हो। और दोस्तों फाइनल बात ये है कि भले ही वो डील कैंसिल हो रही हो आपकी लीगल हीयर्स के साथ किसी भी कारण से, और आपको पैसे उनके फॉरफिट करने हैं या नहीं करने, या कितने करने हैं, या उन पर दया करनी है, या वो रिश्तेदारी में थे, जो भी आपके हालात हैं वो समझते हुए, तो जो पैसा आपके पास फालतू रह गया, मान लो उसने बायर ने आपको 25 लाख रुपए दिए थे जिसमें से बयाना 5 लाख रुपए ही था अर्नेस्ट मनी, 20 लाख आपको रिफंड करने थे उनके 5 लाख फॉरफिट करने के बाद, तो अब सवाल आपके सामने ये भी उठेगा कि ये 20 लाख मैं किसको रिफंड करूं। तो 20 लाख रुपए ऐसा नहीं कि आपने उसने आके बोला जी मैं इनकी पत्नी हूँ मुझे रिफंड कर दो, या बेटे ने आके बोला मैं बड़ा बेटा हूँ मुझे रिफंड कर दो। तो उसका प्रोसेस भी यही है कि जब तक वो लोग आपको लीगल हीयर सर्टिफिकेट ना दें तब तक आप उस पेमेंट को रिटर्न नहीं करेंगे। और अगर 4 लीगल हीयर है फॉर एग्जांपल, तो चारों को 25-25% यानी इक्वल अमाउंट रिफंड करेंगे उनको, क्योंकि उन चारों का हक बनता है, और उन चारों से एक अंडरटेकिंग या इंडेमनिटी भी आपको लेनी चाहिए, जो कि डिटेल्ड में ड्राफ्ट हो सकती है, उसमें कहीं क्लोजेज लिखी जाती है, परंतु उसका सारांश ये हो सकता है कि भाई हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि और कोई हमारा लीगल हीयर नहीं है, जो सर्टिफिकेट हमने दिया ठीक है, ये एग्रीमेंट अब इस तरह से डेथ होने के बाद म्यूचुअली ख़त्म हो गया है, हमारा अब सेलर के ऊपर किसी किस्म का कोई क्लेम दावा डिमांड इत्यादि नहीं रहा है, अब सेलर फ्री है हमारी तरफ से कि भाई वो जिसको भी चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, हमने इसके ऊपर ना तो कोर्ट में कोई केस किया है ना करेंगे। इस प्रकार की कुछ बातें अंडरटेकिंग के रूप में, इंडेमनिटी के रूप में, या एफिडेविट के रूप में उनसे ड्राफ्ट करा के ली जा सकती है, ताकि क्योंकि एज ए सेलर अब आप दो खतरे आपके सामने मंडरा गए हैं, ये डील तो कैंसिल होने का खतरा था, हो गई कैंसिल, एग्जीक्यूट हो गई तो अच्छी बात है, कैंसिल हो गई तो चलो आप तैयार हो भाई ख़त्म करो, क्या ही करें जब सामने वाला रहा ही नहीं। लेकिन दूसरा खतरा ये भी मंडरा गया कि एक सबसिस्टिंग एग्रीमेंट टू सेल है, एक एग्रीमेंट टू सेल आपने बना रखा है, और उसमें से कई बार जो 3-4 उत्तराधिकारी होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, कोई एक या दो बेटे तो ये कह रहे होते हैं हम ये खरीदेंगे भाई साहब आप किसी और को नहीं बेचना, और उसकी बीवी और बेटी कह रही होती है हमें नहीं लेना, तो पचड़े में कौन फंसे आप उनका आपसी डिस्प्यूट की वजह से। तो हमारी प्रॉपर्टी पे उस एग्रीमेंट की वजह से जो चार्ज या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था बायर और उसके उत्तराधिकारियों का, उससे अपने आप को फ्री करना, मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उस एग्रीमेंट को रद्द करना कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से जो उसके उत्तराधिकारी है उनसे ही अंडरटेकिंग लेना कि भाई अब हमारा कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर्टी से, जो मर्जी करे, जिस मर्जी को बेचे, हमारे पैसे जो हमें मिलने थे मिल गए, हमारा आपस में कोई लेन देन, इस प्रकार का
एग्रीमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि फिर आप किसी और पर्सन को अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना फ्लैट है, मकान है, वो किसी और को बेच सको।